प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तपो, क्या है सब? आप मुझे पैसे देने से मना कर रहे हो ना, इसलिए मैं खुद ही पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। कैसे? मैं अपनी चीजें भंगार में बेच दूंगा। ये अपनी चीजें वाली या साइकिल को भी एक साल भी नहीं हुआ, ऐसी नई नवेली साइकिल को तो भंगार में बेच देगा? हाँ। तो मैं दूसरे साइकिल लेकर नहीं दूंगा। चलेगा। दया। हाँ। दया आई। ये देख तेरा लाडला क्या गुल खिला रहा है। क्या? ये अपनी सारी चीजें भंगार में बेच रहा है। टप्पू, अभी टाइम है बेटा, ये सारी चीजें अभी पुरानी नहीं हुई। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको बाहर बुलाया, आप कृपया अंदर ही रहिए। ऐसा थोड़ी होता, पहले कहते बाहर बाहर तो जल्दी जल्दी बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे? लगा अरते का बात करनी पड़ेगी, लगा अरते यार ऐसे थोड़ी जेठा लाल काय चल रहे सगळो दसो जेठा ब्रा। अब जेठा भाई तू है कुछ करो। अरे पर कुरो थियो चो तो खरा। हां सु थयो थयो सु ने भाभी मी सांगतो ना सु थयो ते ए गोकुलधाम सोसाइटी के हर स्टेशन पे ना हंगामा हो गया है। और ये हंगामे की ट्रेन जिस स्टेशन से छूटी है वो है आपका घर जीएसटी यानी के गड़ा स्टेशन टर्मिनस। तो मास्टर में से स्टेशन मास्टर कब से बन गया? ये तुम अपने टप्पू मास्टर से पूछो। भिड़े अंकल, हमारी मांग गलत नहीं है। हाँ। देखो देखो जेठालाल कैसे भड़का रहा है, देखो सबको। ये सोनू मेरे पास आके पैसे मांग रही थी, मैंने मना कर दिया, तो मुझे बोलती है कि मुझे आप लोन दे दो, मैं ट्यूशन करके चुकाऊंगी। बोलो और जेठा प्रा, ये मेरा नन्ना सा प्यारा सा मासूम गोगी, और पता है क्या बोलता? वो बोलता आप मुझे पैसे दे दो, मैं दिन रात आपके गैराज पे मेहनत करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अभी गोगी पुत्र गैराज में काम करेगा, बोलो भाई। और मेरा गोली तो कहता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो दिवाली पे बोल दो हाथी में बोल दो। बोलो भाई बोलो। मिठाई नहीं खाएगा। वाह गोड़िया, ये तो अच्छी बात है हाथी भाई। क्या अच्छी बात है, पगला की लखा भिड़े मास्टर बड़े बाप। अरे बाप रे, तो सगाना मातृभाषा आठवा लगली। जेठा लाल इस टप्पू का कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि हम लोग इनको गिफ्ट देने से मना कर रहे हैं, हम लोग तैयार है गिफ्ट देने के लिए, क्यों भाई? हाँ एक मिनट, जेठालाल कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने टप्पू को गिफ्ट देने से मना कर दिया और इसके लिए उसने ये हंगामा शुरू कर दिया? अरे नहीं भाई नहीं, मैं भी गिफ्ट देने को तैयार हूँ, एक नहीं 10 गिफ्ट देने को तैयार हूँ, लेकिन गिफ्ट नहीं चाहिए, बोल रहा है रोकड़ा रुपया चाहिए। तो भाई पूछो ना उसे कि रोकड़ा क्यों चाहिए। अरे भाई 10 बार पूछ चुका हूँ लेकिन बता ही नहीं रहा। ओए टप्पू सेना, और मैं तुमको एक बहुत बढ़िया ऑफर देता हूँ, एक काम करो तुम बस इतना बता दो कि तुमको ये रोकड़ा क्यों चाहिए तो आपके पैसे डबल। या भाई छोटी तो क्या कुछ भी आइडिया दे रहा है भाई, ये तो बंदर के हाथ में तलवार देने जैसा है। बंदर? फिर तो ये लोग हर बार ऐसा ही धतिंग करेंगे। तो फिर जेठालाल तुम ही बताओ कि क्या करे। अरे भाई मैं क्या बताऊँ, आगे बापूजी हंस, अभी बापूजी फैसला करेंगे।
क्या हुआ? अरे क्या हुआ बापूजी? तो बोला 24 घंटे पसीने में बिजली रात मेहनत कर बिजली नहीं करेगा तू अगर पैसे के खानदान की परंपरा खराब ऐसा नहीं होता है बता दे अरे हमारे मम्मी पापा अच्छा कुछ समझ में नहीं आया एक एक करके बोल मैं बोलता हूँ मेरा बापूजी है बापूजी बात दरअसल ये है कि ये बच्चों को हमने बोला कि भाई दिवाली में आप लोगों को जो गिफ्ट चाहिए वो गिफ्ट हम देने को तैयार लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हमको गिफ्ट नहीं चाहिए हमको रोकड़ा रुपया चाहिए अब यहाँ पे बताइए ऐसे कैसे बच्चों को दे सकते हैं पैसे नहीं दे सकते जेठिया तू बराबर बोल रहा है तो फिर माँ पर दादाजी हमसे उतने ही पैसे मांग रहे जितने हमारे मम्मी पापा दिवाली पर हम पर खर्च करना चाहते हैं फिर उसमें क्या गलत है क्यों फ्रेंड्स हाँ कुछ गलत नहीं है ये भी बराबर है लेकिन चाचा जी माँ बाप होने के नाते हम लोग को ये जानने का हक है कि नहीं कि बच्चों को पैसे किस लिए चाहिए हाँ हाँ बिल्कुल हक है ये भी बराबर है पर दादाजी हमारे पापा को हम पर विश्वास ही नहीं है नहीं नहीं विश्वास तो रखना चाहिए ये बात भी बराबर है बापू जी आप हर बात में बराबर है बोल रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा आप दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी एग्जैक्टली बराबर बोल रही है वो आप बताइए बोल दीजिए बच्चों को कि इधर ये जो माँ बापों की पार्टी है वो एग्जैक्टली बराबर बोल रहे करेक्ट पापा आप दादाजी को फोर्स करके अपनी तरफ मत करो चुप रहे छोटा के बड़ों के साथ दलील करते हैं देखो भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम लोगों को अपने बच्चों पे विश्वास है कि वो कोई गलत काम नहीं करेंगे तो उनको पैसे देने चाहिए हाँ। बापू जी आप ये क्या कर रहे हो बच्चों को पैसे दे दे चुप रहे छोटा होकर बड़े के साथ दलील करता है माले चाचा जी पण किसको समझाने को बोला था और किसको समझा कर चले गए अभी अगर बच्चों को पैसे नहीं देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हमको उन पर विश्वास नहीं है और अगर पैसे दे देते तो फिर टेंशन ही टेंशन है भीड़े अंकल आप हमें पैसे दे दीजिए वो पैसों का हम क्या करने वाले वो कल सुबह आपको पता चल जाएगा तो फिर क्या बोलते हो भाइयों बच्चों को पैसे दे देते हैं चलो भाई चलो अभी घर जाके आराम से सो जाते हैं कल की बाकी कल देखेंगे हाँ और गोगी बता खुश है ना तो चल का अरे चला चला घर चला गुड नाइट गिठल गुड नाइट हां बच्चे स्वेर तो कितने ने बापूजी आपके कहने पर हमने बच्चों को पैसे दिए ए जेठिया झूठ मत बोल मेरे कहने पे नहीं बच्चों पे विश्वास रख के तुम लोगों ने पैसे दिए थे लो बच्चे आ गए पर इनके हाथों में क्या है लगता है बच्चे हमारे लिए दिवाली का तोहफे लेकर आए हैं। अरे पोपटलाल दिवाली पे हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं, बच्चे हमें नहीं। डिब्बा। टप्पू बेटा इसमें क्या है मम्मी इसमें पटाखे और मिठाई है ओ कम ऑन बच्चों तुम लोगों को अगर पैसों से दिवाली की मिठाई और पटाखे ही लेने थे तो हमें कह देना चाहिए था ना हम लोग लेकर देते सब लोगों को टेंशन में क्यों डाला हाँ बेटा अरे कुमार आंटी ऐसी बात नहीं है ये सब हमारे लिए नहीं है व्हाट आर यू सेइंग तो ये सब किसके लिए है कोमल आंटी ये सारे पटाखे और मिठाई जरूरतमंद बच्चों और अनाथ बच्चों के लिए hey,
इस दुनिया में कोई नहीं है जो बिल्कुल अकेले है। हाँ। वाह बच्चों वाह, तुम सबने बहुत बढ़िया काम किया और मुझे तुम पे गर्व है। शाबाश शाबाश। थैंक यू अंकल। भाई सोनी सर तुझे नहीं, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को है। सही बात है। लेकिन टप्पू बेटा, कल सुबह तुमने अपने पापा को बहुत सारी चीजें लाने को कहा था, तो अचानक ये विचार कहाँ से आ गया? वो मम्मी, मैं और दादाजी जब मंदिर गए थे ना, अरे वाओ, दादाजी यहाँ पर कितने मस्त पटाखे हैं ना। बोलो सेठ, कौन से पटाखे दूँ? तुम्हें इनमें से कौन से पटाखे पसंद है? मुझे तो सभी पटाखे पसंद है। वाओ, मतलब तुम दिवाली में ये सब पटाखे फोड़ोगे? नहीं, मैं एक भी नहीं फोड़ूंगा। ये पटाखे बेच के जो पैसे आएंगे उसे मैं घर पे दे दूंगा। चल डबल। दादाजी ये सचमुच दिवाली नहीं मनाएगा? हाँ टपूड़ा, और ऐसे कई बच्चे हैं जो दिवाली में फटाके, मकर संक्रांति में पतंग और होली में रंग बेच के अपना घर चलाते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, बिल्कुल अकेले हैं, जिन्हें ये सब चीजें लाकर कोई नहीं देता। टपूड़ा, आज तुझे कोई भी चीज चाहिए तो तू अपने पापा से मांगता है और तेरे पापा तुझे एक मिनट में लाके देते हैं, और अगर ना लाके दे तो तू उसके लिए जीत करता है। लेकिन टपूड़ा, आज के बाद कभी भी जीत करने से पहले एक बार उन बच्चों के बारे में जरूर सोचना जो अनाथ है, अकेले हैं, हमारी तरह हर चीज नहीं ले सकते। चल। बस तभी मैंने सोच लिया था कि इस साल दिवाली उनके साथ मनानी है जो अनाथ है और बिल्कुल अकेले है। वेरी गुड। वाह वाह वाह, क्या नेक विचार है। ओहो वाह, क्या बात है। वाह वाह टप्पू वाह। थैंक यू बापूजी, ये सब आपके संस्कार का कमाल है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से टप्पू सेना को बधाई देता हूँ। थैंक यू और चाचा जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक तो सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दे सकता है, लेकिन संस्कारों का ज्ञान बुजुर्ग ही दे सकते हैं। दीपावली तारक। हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली माता साहब, हैप्पी दिवाली अय्यर साहब, क्या बात है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अरे अय्यर, बबीता जी आप लोग कहाँ से आ रहे? मेहता साहब, हम लोग डानू गए थे, वहाँ पर माँ लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने। बाद अच्छा दर्शन हुआ। और मैं दादा वाह, हमने सभी गोकुलधाम वासियों के हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना किया। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, थैंक यू। मैं दादा, ये सोसाइटी में कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ मैं भी बहुत देर से यही सोच रहा हूँ कि काफी समय हो गया, अभी तक कोई दिवाली मनाने आया क्यों नहीं। किधर गए सब लोग?
अरे वाह, अपनी सोसाइटी क्या चमक रही है। वाह, सब कंदिल भी एक जैसे हैं। वाह भिड़े वाह, मानना पड़ेगा सोसाइटी का क्या सजाया तूने। थैंक यू जेठा, लेकिन इस पूरे सजावट का श्रेय जाता है अंजलि भाभी को। अरे वो रहे मेहता साहब, अंजलि भाभी उनका बधाई देते हैं। सारे लोग बाहर से कहां से आ रहे हैं? कितनी सज्जी सजावट है। नहीं अंजलि भाभी, आपने सोसाइटी को बहुत अच्छे सजाया है। दज, आप सबको पसंद आए? ऑफकोर्स, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया सजावट की अंजलि भाभी, बहुत बढ़िया। सोसाइटी एकदम अलग ही चमक रही है। थैंक यू सो मच जेठा भाई, थैंक यू। अरे लेकिन आप लोग सुबह से कहाँ गए थे? अय्यर भाई, बबीता जी और आप लोग हैं मेहता साहब? अरे भाई, अय्यर साहब ने तो अभी अभी बताया कि ये लोग ढांडू गए थे महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने, और हम सबके लिए प्रार्थना करके आए। वाह वाह, क्या बात, थैंक यू सो मच। और हम लोग भी दिवाली के दिन खुशियां बांटने निकल गए, सबको मिठाई और दिवाली की राम राम करने। लेकिन आप सब लोग एक साथ कहाँ से आ रहे हैं? अंकल, हम दिवाली मना कर आ रहे हैं। दिवाली मना कर? अकेले अकेले दिवाली मना कर आ गए? अरे अय्यर भाई, पूरी बात तो सुनो। दिवाली मना क्या रहे, मतलब अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मना क्या रहे? यह टप्पू सेना का आइडिया था कि इस बार दिवाली में अनाथ बच्चों को मिठाई और फटाके बांटे। क्या बात है, आज तो बहुत पुण्य का काम किया। टप्पू सेना के साथ अनाथ आश्रम गए और आनंद ही आनंद किया है। बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल, बहुत मजा आया। बात है, थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा। भगवान, हम लोग इधर फटाके नहीं फोड़ रहे और आपने सीधा बॉम्ब फोड़ दिया। हैप्पी दिवाली पार्टी है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बेना, हैप्पी दिवाली जीजाजी, कैम मजा माँ, हाँ भाई हैप्पी दिवाली। बका भाई, सुंदर वीरा कहाँ है? सुंदर भाई तो नहीं आ सके। वाह, टप्पू सेना के लिए फटाके भेजे और आप सभी लोगों के लिए मिठाई भेजे। मिठाई में क्या क्या है मालूम है? चोला फली, खाखरा, घुघरा, ये सब मिठाई भेजी। How sweet, lovely. क्या बात है? Wow! फटाके! अरे गोया, गोया, गोया! बिड़े, भूल जाओ मिठाई। लेकिन सुंदर वीरा आया होता तो और मजा आता। नहीं, अच्छा हुआ नहीं आया। क्या? अच्छा हुआ नहीं आ पाया। तो आप आया, आप आ गए। टप्पू के पापा, आप सुंदर वीरा को जरा फोन करो ना। किस लिए? अरे ये फटाके मिठाई सब लाए ना, तो थैंक यू के लिए। लेकिन उधर भी दिवाली है ना, तो फटाके फूट रहे होंगे। मैं भी फोन करूंगा तो हेलो हेलो हेलो, इसको सुनाई नहीं देगा कुछ। मैं सुबह फोन कर दूंगा। ठीक है, ओके बका, थैंक यू। 8,000 टैक्सी का भाड़ा,
अंदर ने बोला है जीजा जी से टैक्सी का भाड़ा ले लेना, वो आके हिसाब समझ लेगी। कब आएंगे वो? जब टाइम मिलेगा टैक्सी लेके आ जाएंगे। लेकिन हर बार तो 7,000 होता है ना, 8,000 क्यों चाहिए? अरे जीजा जी दिवाली है, 1,000 रुपया ड्राइवर को दूंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। ये भी सुंदर से कम नहीं है। 5,000 का फटाका और 8,000 का फटका। टप्पू के पापा बुरा मत लगाना, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि गिफ्ट की कभी कीमत नहीं देखते। लो। आप सब लोगों को एडवांस में साल मुबारक। चारों तरफ दीपावली के दीप प्रज्वलित हो चुके हैं, चारों ओर धूमधाम है, खुशियां है, और मैं जानता हूं कि इस वक्त सारा देश दीपावली धूमधाम से मना रहा है। मिठाइयों की महक, चारों तरफ नए नए कपड़े और पटाखों की धूम, और बच्चों के चेहरों पर खिलखिलाहट। भाई इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। इस हिंदुस्तान के तमाम निवासियों को मैं इस दीपावली के दिन गोकुल धाम की ओर से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे यहाँ गोकुल धाम में भी शानदार ढंग से दीपावली मनाई गई है, लेकिन हमारे बच्चों ने एक नया संदेश हमें दिया। हमारी टपू सेना ने हमें यह बताया कि दीपावली के दिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अलग हो। दीपावली के दिन हमने खुशियां बांटी उन लोगों के साथ जिन्हें जीवन में सब कुछ नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। एक त्योहार की, एक उत्सव की असली खुशी तभी है जब हम खुशियां उन लोगों के साथ बांटे तो शायद वो सब कुछ नहीं पाते जो हम पाते हैं। आइए इस त्योहार के दिन हम एक प्रण लें कि हम जो भी करेंगे कुछ ऐसा करेंगे कि सारे समाज में खुशियों का नए संदेश लेके आएंगे। हम हमारी खुशियां उन लोगों के साथ बांटेंगे जिन्हें ईश्वर वो सब कुछ नहीं देता जो देना चाहिए। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप रोज मिलते रहे एक नए ठहाके से, नए धमाके से, नई खुशी से। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.